एक नई वीडियो में मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा सेंटर चलाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग के लिए सीएससी किस तरह से लिया जाए, जिन व्यक्ति ने अगर ले नहीं रखा है तो उनके लिए किस तरह से वो कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं सीएससी लेने के लिए, और साथ साथ आप लोग को ये बताएंगे कि आप सीएससी में कौन कौन से काम सरकारी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन करता हूँ। सीएससी आईडी दोस्तों मैं लॉगिन करने के बाद आप लोग को बताता हूँ कि सीएससी में आप लोग किस तरह से सरकारी काम को कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा कमीशन आप लोग करवा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये आप लोग को बिना इन्वेस्टमेंट के इस साइडों से आप लोग आराम से कमा सकते हैं। वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए जिसमें मैं आप लोग को पूरे प्रोसेस बता सकूं। दोस्तों मेरी सीएससी आईडी लॉगिन हो चुकी है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड आ गया है। तो दोस्तों ये मेरी सीएससी आईडी ओपन हो गई, तो आप लोग को मैं ये बताता हूँ कि सीएससी में आप लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं। सीएससी में काम करने के लिए आप लोग को यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट सर्विस में आप लोग को बताता हूँ। आप सीएससी से पहले बात पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ से यूटीआई पैन कार्ड सर्विस क्लिक करेंगे, जिसमें आप लोग को कस्टमर से अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। एक पैन कार्ड बनाने में आप लोग को सीएससी से 7 रुपये कमीशन मिलता है, 94 रुपये आपकी फीस कटती है। आप लोग 150 200 रुपये ले सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग को मिल सकता है। तो दोस्तों पैन कार्ड की वीडियो मैंने बना रखी है, दोस्तों आप देखते हैं कि पैन कार्ड किस तरह से अप्लाई करें। दूसरी सर्विस दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप यूपी स्टेट से हैं या उत्तराखंड स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप लोग आयुष्मान का काम अपनी सीएससी आईडी से चालू कर सकते हैं। सबसे बढ़िया अपडेट यही है दोस्तों आज की, कि आप लोग आयुष्मान सर्विस का काम चालू कर सकते हैं। ये मेरी आयुष्मान की सर्विस मैंने ऑपरेटर आईडी अपनी ले रखी है, यहाँ से मैं ऑपरेटर आईडी से इसका ही मैंने वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बना रखा है। आप लोग ऑपरेटर आईडी किस तरह से लेंगे, किस तरह से इसको लॉग इन करेंगे, तो मैं यहाँ से सीएससी में क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पर इशू खुल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यह है कि आप सीएससी से पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन किसी भी व्यक्ति किसान का कर सकते हैं, जिसमें उनको साल के 6 हज़ार रुपये जो सरकार की तरफ से मिलते हैं वो करवा सकते हैं। पीएम किसान का दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर पीएम किसान वाले में क्लिक करेंगे, पीएम किसान में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चौथी सर्विस दोस्तों अभी अभी नई सर्विस आई है जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो आप लोग के लिए सर्विस बहुत अच्छी है, पीएम विश्वकर्मा, जिसमें आप लोग कस्टमर से हर रजिस्ट्रेशन के अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा का काम आप लोग चालू कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा के लिए आपको यहाँ सपोर्ट में आप लोग को यहाँ पर पीएम ये विश्वकर्मा का आपको लोग को बताया जाएगा। यहाँ से आप लोग पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन किसी का भी कर सकते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से 3 लाख का लोन और प्लस उनको 15 हज़ार रुपये की किट उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कस्टमर से आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। चौथी सर्विस दोस्तों आप लोग इस सीएससी आईडी से किसी का भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिल पेमेंट करने के लिए दोस्तों आप लोग को इलेक्ट्रीशियन वाले में आना पड़ेगा, और बिल में दोस्तों एक बिल पेमेंट करने पे आपको 10 रुपये कमीशन मिलते हैं। बिल पेमेंट का वीडियो मैंने दोस्तों बना रखा है, उसके लिए आप लोग मेरे वीडियो में जाके बिल पेमेंट का देख सकते हैं। तो था नेक्स्ट सर्विस यह है, अगर दोस्तों आप जीएसटी बिल पे करते हैं या आप जीएसटी करवाते हैं या करना चाहते हैं किसी व्यक्ति का, तो आप सीएससी के माध्यम से मात्र 548 रुपये से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उनका, जिसमें टीडीएस रिटर्न मिल जाती है, जमा होता है, खासी इनकम है दोस्तों।
नेक्स्ट सर्विस दोस्तों आप लोग को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट सर्विस दोस्तों आप लोग के लिए है कि आप लोग अपने CSC ID के माध्यम से बैंक मित्र पोर्टल भी ले सकते हैं। बैंक मित्र पोर्टल के लिए मैंने वीडियो दोस्तों नेक्स्ट अभी बना रखी है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि बैंक मित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें, तो आप लोग को मैं वीडियो बना के दिखा सकता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हैं। अगली नेक्स्ट सर्विस दोस्तों ये है कि आप लोग CSC के माध्यम से किसी का भी लोन करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस है। 1 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं है, कस्टमर से आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लोन सर्विस के लिए यहाँ पर बाजार में क्लिक करेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों अच्छा खासा आप लोग कमीशन कमा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। इस सर्विस में दोस्तों आप लोग बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, खाता खुलवा सकते हैं किसी भी कस्टमर का, और MI पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन सब कुछ करवा सकते हैं इस सर्विस में। इसकी वीडियो मैंने दोस्तों आप लोग को बना के दिखा रखा है पहले से, आप लोग मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।